रिटायर्ड रोमांटिक आई हैव टू से आई हैव नॉट हिट माई मिड थर्टीज ओके एंड दिस इज दैट स्टेज इन लाइफ जहाँ पे ना सडनली मेरे कुछ फ्रेंड्स बैले क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं कुछ 6 घंटे जिम में बिता रहे हैं कुछ पॉटरी करने जा रहे हैं एंड आई एम लाइक व्हेन डू आई टेल देम कि प्रॉब्लम इनकी शादी में है लाइक आई एम जस्ट सेइंग ओके वी आर ऑल ग्रोन अप्स हियर हम सबके फ्रेंड सर्कल में आई फील ऐसा एक कपल तो है जिसकी बारात में डांस करते टाइम लगे था गलत हो रहा है तो बहुत नरक होने वाली इनकी जिंदगी द्वार पूजा शुरू हो गई क्या हो गई तो नाच ही लेते हैं क्या कर सकते माय पॉइंट इज दैट एनवी इज अ ग्रेट मोटिवेटर ओके व्हेन इट कम्स टू हैविंग रिलेशनशिप्स और सेटलिंग डाउन और गेटिंग मैरिड जब तक आपके दिल में जलन ईर्ष्या फोमो की भावना आपको फाइट मारने का मन करता है जब खत्म हो जाती है आपकी लाइफ काफी चिल हो जाती है लाइक आई यूज टू बी सो एनवियस गाइस सो एनवियस ऑफ दीपिका पादुकोण है ओके एंड व्हाई नॉट ओके दीपिका एंड आई आर कंटेम्प्रेरीज ओके हमारी एज सिमिलर है वो 10 ही महीने बड़ी हैं मुझसे बट जब से मैं लाइफ में रेलिवेंट हुई है दीपा बस कितना कुछ जो मेरे पास नहीं होगा कि तो हाइट इतनी अच्छी बैडमिंटन भी खेल लेती है इतना नाम पैसा शोहरत कमा लिया एंड आई फील माय बिगर प्रॉब्लम्स कि दीपिका को देख के लगता है अगर ये फोकस करती ना इसका मेडिकल एंट्रेंस भी निकल जाता ये भगवान ने सही नहीं किया है सो ऑल माई लाइफ हैव बीन वेरी एनवियस ऑफ हर ओके पर फिर दीपिका ने शादी कर ली नाउ एवरी डे आई थिंक ऑफ दीपिका आई एम लाइक जब दीपिका सुबह उठ के चाय पीती होगी तो आदमी इसके आसपास नाचता होगा रोज नया लहंगा पहन के एंड डोंट गेट मी रॉन्ग ऑफ कोर्स आई हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर रणवीर सिंह एज एन एक्टर एज अ परफॉर्मर एज अ फैशन आइकन व्हाई नॉट ऑफ कोर्स ओके बट आई स्टिल फील इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑडियो विजुअल एक्सपीरियंस टू बी हैड टॉकिंग फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग मुझे थकान दिखती है दीपू के चेहरे पे वो कितना भी अश्वगंधा बाउंस लगा ले बट ऐसी बात नहीं है मैंने ये सब बातें सिर्फ आपसे ही नहीं करी अपने थेरेपिस्ट से भी कर रखी मैं ऐसे जज्बात पैसे लेके नहीं पैसे देके भी कर एक्सप्रेस करते हैं आई टोल्ड माई थेरेपिस्ट होगी कि मैं लाइफ में ना इतनी बड़ी हो चुकी इतनी मेरी लाइफ देख चुकी हूँ कि मुझे पता है कि लाइफ में सब कुछ मिल भी नहीं सकता ओके लाइफ इज ऑल अबाउट गोइंग आफ्टर वॉट यू वॉन्ट एंड देन मेकिंग पीस इज वॉट यू गेट राइट एंड यू हैव टू बी सेंटर्ड यू हैव टू फाइंड पीस इन सर्ड यू सब पता है मुझे मैंने सब पता है मुझे पर जो लव लाइफ वाला मैटर है ना वहाँ पर मैं थोड़ा ना लाइक सेटल्ड फील नहीं करती हूँ आई जस्ट फील आई एम स्टक इन द मिडिल समवेयर ना मैं इधर की हो पा रही हूँ ना उधर की हो पा रही हूँ ना मुझे वो जो चीज़ चाहिए मिल पा रही है ना मेरे अंदर पीस आ पा रहा है ओके एंड मैं इतने अटैम्प्ट मार चुकी हूँ उसमें मेरा UPSC निकल जाता पर ये मेरा हो के नहीं दे रहा इज इज समथिंग आई एम डूइंग रॉन्ग इज इज समथिंग आई कैन डू बेटर ओके शी लाइक आपने वो कॉन्सेप्ट सुना है क्या सेल्फ लव वाला मैंने कहा इसके पैसे नहीं दे रहा यार इस सड़क का माल मत चिपका हुआ उनको सेल्फ लव सबको पता इसके बारे में कहीं नहीं नहीं आपका बहुत ज्यादा हो गया है I'm like, what? Kerry, yeah, your cup is overflowing. I'm like, मतलब? Kerry, oh, मतलब? कप रख के उसे पानी भर के दिखाने लगा मैंने एक मिनट सुनिए सिंगल है चूतियाँ नहीं समझी हाँ पढ़े लिखे मेटाफर समझ में आता है हमको भी दरी गीला हो रहा है यहाँ पे पूछ रहे करना क्या है कह रही ओ वो कह रही इंतजार ये कोई और अपना भरा हुआ कप लेके आएगा आपके साथ कप लड़ाएगा आपके जाम छलक जाएंगे बकचोदी हमारा बिजनेस है साइंस लगा लीजिए बट आई हैव टू से ओके आई फील आई थिंक आई साउंड वेरी क्रिटिकल और सिनिकल व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स एंड रोमांस एंड दैट इज प्रॉब्ली बिकॉज आई एम बट ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड दैट लाइफ इज अ ग्रेट लेवलर सबका इक्वली चूतिया काट के जाती है ओके सो किसी को किसी से फोमो फील करने की जरूरत नहीं दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट लाइफ ओके यहाँ सबकी एवरीवन इज इक्वली फक्ड राइट
आई नो फॉर एग्जाम्पल कि आप लोग में से जो लोग हैप्पीली मैरिड हैं, अच्छे रिलेशनशिप में, आप मोस्टली खुशी रहते हैं. ऑफकोर्स आप खुश रहते हैं, ओके. 90% टाइम यू आर हैप्पी, ओके. आपको बस 10% लगता है कि गलत हो गया क्या यार, ये यही रहने वाला है क्या, जल्द कुछ और देखना चाहिए क्या हमको. सिमिलरली पीपल लाइक मी हो फेयरली हैप्पीली सिंगल ऑल द टाइम, हम भी मोस्टली खुश रहते हैं, मोस्टली ऑल द टाइम, ओके. पर हमें साल में एक बार दौरा पड़ता है जब हम एक साथ सारी डेटिंग ऐप्स पे उतर जाते हैं कि देखें मार्केट में क्या मसाला आया है, क्या पता किसी का मुंह देख के मूड बदल जाए. कहते हैं गॉड हेल्प्स दोज हू हेल्प देमसेल्व्स. And to be honest, I have repeated this cycle so many times over years. I have spent so much time cumulatively on these dating apps by now. कि मेरी आँखों के सामने इन apps पे लड़के बड़े हो गए हैं, okay? You guys know what I'm saying, right? वही जो लोग 7 साल पहले कहते here only for hookup, सब गंजे होके लौट आए वापस. कह रहे हैं लुकिंग फॉर सीरियस स्टफ ओनली, डोंट वेस्ट माय टाइम. मेरा बाल झड़ा बहुत तेज. अरे अब तुमको टाइम की पड़ी है लोड़ू. आई एम सॉरी फॉर बैड लैंग्वेज गाइज, ओके, बट आई एम वेरी इमोशनल अबाउट दिस टॉपिक, ओके. आई जस्ट वांट टू से आई फील दैट फक बॉय कल्चर इंडिया में आया ना 10-12 साल पहले, जब आया तो इंडियन मेन लोगों ने इंजॉय तो बहुत कर लिया, इंजॉय तो बहुत कर लिया हमें उल्लू बना के. पर ये लोग भूल गए कि इंडियन जीन्स आर नॉट कंपैटिबल विद फक बॉय कल्चर. ये लोग बड़े होके जॉर्ज क्लूनी नहीं बनते, नाना पाटेकर ही निकालते हैं सब के सब.